स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आप एचएससी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर दोनों एचएससी बोर्ड प्लस सीईटी दोनों की साइमल्टेनियसली आप प्रिपरेशन कर रहे हो। हॉनेस्टी के साथ बताना है, बिना हिचकिचाट के, क्योंकि आप सोचोगे, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया आप तो सिर्फ सीईटी की बातें करते हो, तो हमने बोर्ड्स की बात कर ली तो आप मतलब अप्रिशिएट नहीं करोगे उस चीज को। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, सीईटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कमेंट सेक्शन में जो भी लगता है वो बताओ आप मुझे, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है। कि जीरो टू हीरो मतलब आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो गारंटी देता हूं आप 99% लेके आओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आप कौन होते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चंस करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से याद आया, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां पे ज्वाइन जरूर हो जाना। वहां पे सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, सीटी सेल की तरफ से जो भी नोटिस आती है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ के नोटिफिकेशन वगैरह सारे वहीं पे आते हैं, ठीक है। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे मत भूलना। तो कल एक बच्चे ने पूछा भैया आप क्या करते हो, ठीक है, ये भी बताते जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ट्रस्ट नहीं होता हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे आजकल हर कोई ज्ञान बांट रहा है, कोई भी मतलब उठ जाता है ज्ञान बांटने लग जाता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो, मैंने अनअकैडमी पे 2 साल पढ़ा है, मैंने फिजिक्स वाला में पढ़ा है, ठीक है। तो आईआईटी जेईई के सेगमेंट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, सीटी की सेगमेंट की बात करो तो 5 साल से आप यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूं, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आपका स्कोर कितना, मैंने 3 से 4 बार रिवील कर चुका हूं मेरा स्कोर 175 प्लस स्कोर था, मेरे टाइम पे परसेंटाइल नहीं था, 7 साल पहले मैंने सीईटी दिया है, ठीक है। बात क्लियर है, अभी बात करते हैं जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे और मुझे जवाब देना पड़ता है, तो इस वीडियो के बाद ना आए मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी के ऊपर बात करते हैं, जानता हूं मुझे जो भी यहाँ पे देखने आया है, जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा उसका टारगेट होगा सीयूईपी, वीजेटीआई, बालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजेएस सौम्या और भी बहुत सारे कॉलेजेस जो महाराष्ट्र के नंबर 1 कॉलेजेस हैं, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन कॉलेजेस में आप जा सकते हो। मैं सीटी की प्रिपरेशन को बहुत सिंपल करके आपको बताने वाला हूं। सबसे बेसिक स्टेप, स्टेप 1 लिखनी है आपको, आपको रीड करना है एचएससी का बुक, या फिर आपको कहीं से कोर्स वगैरह से, वन शॉट लेक्चर से, या फिर किसी टारगेट से, नवनीत से, आपको हर एक चैप्टर को एक बार थरली और प्रैक्टिकली पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, आपको आपने अगर कोई चैप्टर स्टार्ट किया, रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोटेशन से पहले आपको सर्कुलर आना चाहिए, है ना। तो सर्कुलर पहले पढ़ लेना। कैसे पढ़ोगे, सबसे बेसिक चीज तो वही आती है, आपको एचएससी बुक की रीडिंग मारनी है, जितना समझता है उतना समझते जाना है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, नोट्स बनाने, हर एक चीज के आपके नोट्स बनाने, बने हुए रहने चाहिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स आपको एट द लास्ट मोमेंट आपको नोट्स ही काम आने वाले। पहली चीज क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया एचएससी के बुक से कॉन्सेप्ट नहीं समझते, कहीं से क्रैश कोर्स लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आता है कि कहीं से, कहां से लगाए क्रैश कोर्स, कहीं से भी लगा सकते हो। महाराष्ट्र में हजारों क्रैश कोर्सेस है, कहीं से भी क्रैश कोर्स लगा सकते हो। लेकिन एक चीज जरूर पूछ लेना क्रैश कोर्स लगाने से पहले कि इस क्रैश कोर्स में 1500 से भी ज्यादा पीवाईक्यूज कवर्ड है क्या। अगर नहीं कवर्ड तो वो क्रैश कोर्स मत लगाना। उस क्रैश कोर्स में आपके फॉर्मुला शीट कवर्ड होने चाहिए, नहीं कवर्ड वो क्रैश कोर्स मत लगाना। उस क्रैश कोर्स में आपका 11th का प्लस 12th का दोनों सिलेबस कवर होने चाहिए, नहीं कवर मत लगाना, ठीक है। आपको नोट्स मिलने चाहिए, आपको डीपीपीस मिल, सॉरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है मत लगाना, ठीक है। पीवाईक्यूज मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे हैं मत लगाना। जहां से मिल रहे हैं वो क्रैश कोर्स लगाना, ठीक है। कहां से मिलेगी आपको, बहुत सारे क्रैश कोर्स अगर नहीं कहीं मिल रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए। वही क्रैश कोर्सेस जिसे पढ़ के लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर सीईटी के समय कॉलेजेस में न्यूट्रन एडुकेटर्स के बच्चे गए, ठीक है। उनके इंटरव्यूज भी आने वाले जल्दी, जैसे जैसे सीटी पास आएगा उनके इंटरव्यूज भी मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज करनी है, आपने एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए सारे, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आ रहा था, है ना। तो मैंने कहा मैंने कैसे ओवरकम किया था और मैं आपको कैसे ओवरकम कराना चाहता हूं वो सुनो। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उसके बाद आपको करने हैं सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल की इतनी इंपॉर्टेंस है ना जो डिस्कस नहीं होती आज के टाइम पे। सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बड़ा आपके लिए एक वेपन है आपके पास, कि जो आपको ओरिजिनल न्यूमेरिकल तक लेके जाता है। अगर आप मानो नदी के इस पार हो और नदी के उस पार जमीन है, ठीक है, बीच में नदी है सपोज मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल बैड हो सकता है लेकिन आपको समझना है। इस पार आप खड़े हो, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और आपको कराने क्वेश्चंस, बीच में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को रिलेट करे, वो काम करता है आपका सॉल्व एग्जांपल। तो सॉल्व एग्जांपल आपको करने, कहां से करने, बहुत सारे बुक से, टारगेट है, नवनीत है, दिशा पब्लिकेशन है, चेतना पब्लिकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्कोर बूस्टर है, बहुत सारा है, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है, दो स्टेप क्लियर है। स्टेप थ्री इंपॉर्टेंट है, आपको लगाने पीवाईक्यूज। भैया कितने साल के पीवाईक्यूज लगाए, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं भैया कितने साल के पीवाईक्यूज लगाए, 1 साल 2 साल 3 साल, एटलीस्ट 5 साल के, लास्ट 5 ईयर्स के आपको पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। 2016 से लेके 2023 तक सारे पीवाईक्यूज एप्लीकेशन में मैंने डाल दिए,
प्लीज आई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सारे पीवाई क्यूज देख लेना, डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री है, एक रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे पीवाई क्यूज के पीडीएफ आपको पीवाई क्यूज के नाम पे आपको भी उससे भी पैसे लेके जा लेते हैं आजकल लोग, उसको आपको एक रुपया नहीं देना, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या करोगे आप, आपको करने हैं अभी मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, एटलीस्ट 20 मॉक टेस्ट। अगर आप सीईटी के पहले 20 मॉक टेस्ट लगा के नहीं जा रहे हो, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ इस चीज को, आपका सिलेक्शन महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच में नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। लास्ट 5 सालों का एक्सपीरियंस यार इस फील्ड में, ठीक है। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट मोमेंट तक और लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट नहीं लगाई थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी मॉक टेस्ट लगाना जहां पे आपको एग्जाम में जैसा फील होता है, एग्जाम में जैसा प्लेटफॉर्म होता है, एग्जाम में जैसी विंडो होती है, एज इट इज विंडो आपको मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही कहीं पे क्रैश कोर्स डिस्क्रिप्शन, सॉरी मॉक टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी मैंने, ठीक है, वहां से आप मॉक टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। मैं ऐसा कतई नहीं बोलूंगा कि यही से मॉक टेस्ट लगाओ या वही से मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं से भी लगा लो, लेकिन एक चीज जरूर सुन लेना, 20 लगाने हैं, 20 मॉक टेस्ट में 3000 क्वेश्चन आते हैं, 3000 क्वेश्चन के 3000 सॉल्यूशन आपको मिलने चाहिए। अगर कहीं पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो मॉक टेस्ट मत लगाना, आप आपके पैसे खुद के भी पैसे वेस्ट कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के भी पैसे आप वेस्ट करोगे, ठीक है, आपका टाइम भी वेस्ट करोगे, ठीक है। जहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, वही क्रैश मॉक टेस्ट लगाना, क्लियर है। मॉक टेस्ट की बात खत्म हो गई, नेक्स्ट ये आपके स्टेप्स हो गए। उसके बाद आपको करना है लास्ट स्टेप, आपको करना है फॉर्मूला शीट्स, ठीक है। फॉर्मूला शीट्स आपके जो भी बने पड़े हैं, रिवीजन शीट जो भी बने पड़े हैं, वही आपको रिवाइज करने हैं। वो कैसे रिवाइज करने हैं, देखो आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में सपोज आपके एक मॉक टेस्ट में कितने पीसीएम की अगर बात करूं तो 150 क्वेश्चन आते हैं, पीसीबी की बात करूं तो 200 क्वेश्चन आते हैं। पीसीएम के 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से आपके 150 तो राइट नहीं होंगे, जो रॉन्ग हो गए ना उनको क्या करना है आपको, उनको एक फोटो खींच के रखो, उनको आपको जब लास्ट फॉर्मूला शीट जब रिवाइज करोगे ना, रॉन्ग क्वेश्चन को रिवाइज करना है आपको, तब आपको समझेगा, है ना। रिवीजन करने का भी तरीका होता है, कुछ भी चीज उठा के रिवाइज नहीं करनी होती, जो गलतियां हुई है पिछले आपने मॉक्स में जो गलतियां की है उनको रिवाइज करना है ताकि वो गलतियां आपसे रिपीट ना हो, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 स्टेप, आपको इन स्टेप को अगर फॉलो किया तो आपकी 0 प्रिपरेशन भी है ना तब भी आप 99% स्कोर करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जो भी आपको डाउट्स होंगे आप मुझसे बात कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी होगी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।